नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मौसम बिल्कुल अब खुल गया है। खासतौर से राजधानी लखनऊ में सुबह से ही धूप खिली हुई है। देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम पूरी तरीके से साफ है। कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार 5 से लेकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जो 2 दिन पहले तक सक्रिय हुआ था, आज उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है, और जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, सोनभद्र जैसे इलाकों में 3 से 4 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ घने कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा, बारिश नहीं हो सकती है, लेकिन 3 और 4 फरवरी को यहाँ भी हल्की बारिश की संभावना है। बात करें 1 फरवरी की, तो 1 फरवरी के दिन सहारनपुर में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि इतनी हुई कि यहाँ पर सफ़ेद ओले की चादर बिछ गई। इस ओले से गेहूं और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान भी पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर इलाकों में भी बारिश हुई है। इन ज़िलों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, और ठंडी हवाओं के चलते यहाँ अभी ठंड का कहर जारी है, लेकिन 4 फरवरी के बाद यहाँ पर लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।